इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम का आधार संकलन है। विश्वसनीयता के लिए संदर्भ ग्रंथ का संपर्क करें। नमस्कार, आइए, स्वागत है आपका लोकप्रिय कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में। आए, देखें, सुने, सोचे, समझे और मनन करें क्या कुछ हुआ आज के दिन इतिहास के पन्नों में। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। दिनांक 9 जून सन 1900 में क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, इनका निधन हुआ। सन 1936 में अमरावती के देशभक्त अब्बास तैयब जी, इनका निधन हुआ। सन 1949 में मशहूर किरण बेदी, इनका जन्म हुआ। सन 1993 में सत्येन बोस, इनका निधन हुआ। सन 1991 में राज खोसला, इनका निधन हुआ। सन 1909 में मराठी जासूसी कथा लेखक बाबूराव अर्नाळकर, इनका जन्म हुआ। सन 1912 में संगीतकार वसंत देसाई, इनका जन्म हुआ। सन 1931 में नंदिनी सतपति, इनका जन्म हुआ। सन 1977 में अभिनेत्री अमीषा पटेल, इनका जन्म हुआ। सन 1981 में सितार वादक अनुष्का शंकर, इनका जन्म हुआ। सन 2011 में चित्रकार एम एफ हुसैन, इनका निधन हुआ। सन 1964 में आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। सन 1974 में ब्रिटिश संसद, इसका कार्य का सीधा प्रसारण टीवी पर शुरू किया गया। सन 1991 में फिलीपींस का माउंट पिनाट्यूबो ज्वालामुखी 600 वर्षों के बाद पुनः भड़का। सन 1990 में असद भोपाली, गीतकार, इनका निधन हुआ। सन 1494 में बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, इनका निधन हुआ। सन 1781 में प्रथम आग गाड़ी के शोधक जॉन स्टीफन, इनका जन्म हुआ। सन 1890 में मिल कामगारों को रविवार की छुट्टी देना मंजूर किया गया। सन 1986 में मुंबई में पहला एड्स का रोगी पाया गया। सन 1889 में डेमलर बेंच को जर्मनी में प्रथम पेटेंट प्राप्त हुआ। सन 1906 में वीर सावरकर लंदन के लिए रवाना हुए।